करण जौहर के कारण एक बार फिर हुई परेशानी, किसी और मूवी को करना पड़ा एडजस्ट। वेल, यहाँ हम बात कर रहे हैं एक ऐसे बॉलीवुड फिल्म मेकर के बारे में जो जितने अपने हिट मूवीज के लिए फेमस है उतने ही अपने कॉन्ट्रोवर्सीज के लिए। अब करण जौहर लाइमलाइट में है अपनी अपकमिंग फिल्म गुंजन सक्सेना के लिए। जी हाँ, बता दे कि करण जौहर को चाहिए था कि उनकी फिल्म गुंजन सक्सेना को सोलो रिलीज डेट मिले, जिसके कारण उन्होंने करीना कपूर खान और इरफान खान स्टारर फिल्म अंग्रेजी मीडियम के डेट्स को और जानवी कपूर और राजकुमार राव स्टारर फिल्म रूही अफजा के डेट्स को शिफ्ट करा दिया। वेल, इस चेंज ऑफ डेट को लेकर करण ने एक ट्वीट करते हुए लिखा, फ्रेंडशिप्स इन द फ्रेटर्निटी आर रेयर बट वेन दे एग्जिस्ट दे आर एम्पावरिंग। डीनो एंड आई हैव मेड एन एक्सचेंज ऑफ डेट्स। अंग्रेजी मीडियम विल कम अ वीक अर्लियर ऑन द गुंजन सक्सेना डेट 13th of March 2020 एंड गुंजन सक्सेना टेक्स द रूही अफजा डेट 24th अप्रैल 2020। बता दे कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इसके पहले भी करण जौहर ने अपने सिंगल रिलीज के चक्कर में अजय देवगन की फिल्म शिवाय के साथ लिया था पंगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक तब करण जौहर की फिल्म ए दिल है मुश्किल और शिवाय क्लैश हो रही थी, जिसके चलते अजय देवगन ने उन्हें इसे पुश करने की रिक्वेस्ट की थी, लेकिन करण टस से मस नहीं हुए और तब से इनके बीच कड़वाहट आई। वेल, करण के इन शिफ्ट ऑफ डेट्स के सिलसिले पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऑल्सो डू लाइक फॉलो एंड सब्सक्राइब टू बॉलीवुड नाउ ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब।